मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज सुंदरदास का एक पद लेने जा रहे हैं। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ और 1689 ईस्वी तक सुंदरदास ने भक्ति के साधना के बड़े ही प्यारे गीत गाए हैं। सुंदरदास दादू साहब के शिष्य हैं। विद्वत्ता, अनुभूति और अभिव्यक्ति की त्रिवेणी हैं। सुंदरदास के वचनों में जो अभिव्यक्ति ने शिखर छुआ है, थोड़े से संतों में वो तुम पाओगे। कहते हैं सुंदरदास, ज्ञान बिन अधिक अर्जत है रे। प्रज्ञा अगर न हो, विवेक न हो, तो आदमी उलझता चला जाता है। आदमी की जिंदगी उलझती चली जाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसकी प्रज्ञा है। एक नए अंदाज में इस बात को सुनो। वृक्षों को जड़ देकर बोला, तुम खड़े यहीं सब पाओगे। चिड़ियों को पर देकर बोला, कुछ चाहो तो उड़ जाओगे। नर को बोला प्रज्ञा देकर, कुछ चाहो तो लौटो भीतर। अथ प्रज्ञा शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। भीतर है आनंद, भीतर है सार। जो कुछ भी मूल्यवान है वो निराकार में है, वो निरंकार में है। इस बात का अगर बोध तुम्हें हो जाए तो तुम प्रज्ञावान हो। अगर इस बात का तुम्हें बोध न हो तो तुम प्रज्ञाहीन हो। और प्रज्ञा न हो तो जिंदगी ऐसी ही उलझ जाती है संसार में। कबीर साहब जिसके लिए कहते हैं, भंवर जाल बगुजाल है और बूढ़े बहुत अचेत। एक तो संसार का जाल है, भवसागर का जाल है, और दूसरे ये बगलों का जाल है। जो तथाकथित पंडित हैं, पुरोहित हैं, तथाकथित संत हैं, वहाँ भी तुम जाकर के उलझ जाते हो। भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत। कह कबीर तिन बाची हैं जिनके हृदय विवेक। जिनके हृदय में विवेक हो, प्रज्ञा हो, बस वही बच सकता है इस भंवर जाल से और बगुजाल से। कहते हैं सुंदरदास, ज्ञान बिन अधिक अर्जत है रे। बिना प्रज्ञा के आदमी उलझता चला जाता है। जिसके लिए राजस्थान के संत हुए दरिया साहब कहते हैं, दरिया गैला जगत ते क्या कीजिए समझाए। इस पागल जगत को क्या करोगे समझाकर, कैसे समझाओगे और क्या करोगे समझाकर। क्यों सुलझाया सुलझे नहीं, सुलझ सुलझ उलझाए। कितना भी समझाओ, कितना भी सुलझाओ, जगत सुलझने को राजी नहीं है। और एक बार सुलझ भी जाए किसी तरह तो फिर उलझ जाता है। कहते हैं सुंदरदास, नयन भय तो कौन काम के। प्रभु ने तुम्हें आँखें दी हैं, लेकिन क्या मतलब है आँखों का। आँखों का जो सही उपयोग है परमात्मा का दर्शन करने के लिए है। नयन भय तो कौन काम के। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, अपनों ही रूप नयन भर दे के। दर्पण के सामने खड़े होकर देखो लोगों को अपना रूप कैसे निहारते रहते हैं। अपनों ही रूप नयन भर देखो, कामिन को संग भावे रे। पुरुष है तो स्त्री का साथ उसको अच्छा लगता है, स्त्री है तो पुरुष का साथ अच्छा लगता है। परमात्मा का साथ कौन खोजता है इस जगत में। जिसके लिए संत सुंदरदास कहते हैं, नैक न सूझत है रे। ये जो मंगलदायक राम है, मंगलदायक प्रभु है, उसको तो कोई देखता नहीं, उसकी ओर दृष्टि तो जाती नहीं, उसको तो कोई खोजता नहीं है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, विरह कमंडल कर लिए। ये संतों के जीने का तरीका, ये भक्तों के जीने का तरीका है। संसारी के जीने का क्या तरीका है। आँखों से संसार को देखो, विषय वासनाओं को देखो, स्त्री को देखो, पुरुष को देखो, लेकिन संत कहाँ देखता है, वो भीतर देखता है, वो प्रभु को देखता है। कबीर साहब कहते हैं कि विरह कमंडल कर लिए और बैरागी दो नैन, मांगे दरस मधुकरी छके रहे दिन रैन। क्या भिक्षा मांगते हैं कबीर साहब कि हे गोविंद, तुम अपना दीदार, तुम अपना दर्शन मुझे दे दो, यही भिक्षा चाहिए। और एक बार गोविंद को देख ले तो इच्छा होती है कि गोविंद के दर्शन में ही पूरी जिंदगी बिताएं। कहते हैं सुंदरदास, सब में व्यापक अंतर जाम। इस बात को समझो कि प्रभु को देखने के लिए कहीं हिमालय जाने की जरूरत नहीं, कि काबा काशी जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घट के भीतर ही वह अंतर्यामी विद्यमान है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, अंतर्जामी सो प्रभु पूरा और दान दे साधु की धूरा। वह जो तुम्हारे भीतर स्थित है प्रभु, वह भी पूरा प्रभु है, उसमें जरा भी कोई कमी नहीं है। उस प्रभु को खोजो, उस प्रभु
की स्तुति में जियो, उस प्रभु के गीत गाओ, और एक बार प्रभु प्रसन्न हो जाता है तो क्या करता है, दान दे साधु की धूरा, तुम्हारी जिंदगी में किसी संत के चरण कमलों की धूल दे दे देता है, और तब समझना कि तुम पर प्रभु की अहेतु की कृपा हो गई। कहते हैं सुंदरदास, सब में व्यापक अंतर जामी ताहि न बूझत है रे। उसको बस तुम नहीं समझते हो, उसको समझने की चेष्टा नहीं करते हो, बाकी सब कुछ समझते हो। जिसके लिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, चारे कुंडा भव थके मनमुख बूझ न पाई। चारों दिशाओं में मन दौड़ता रहता है, और जो मनमुखी होता है बस इस बात को नहीं समझता। गुरुमुखी एक ऐसी प्रज्ञा को पा सकता है जिसके कारण वो गोविंद की ओर उन्मुख होता है, नहीं तो ऐसे ही मनमुखी होकर के हम जीते हैं और विषयों में हमारा रस होता है। जिस सतगुरु मेले सो मिले सच्चे शब्द समाई। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जिसको सतगुरु मिल जाए, वो गोविंद से मिला दे, तो वही मिल सकता है गोविंद के, और जो सार शब्द है, जो सत्य नाम है, फिर उसमें उसका सुमिरन चलता है, उसमें उसकी समाधि लग जाती है। कहते हैं सुंदरदास, भेद दृष्टि करी भूल परयो है। ये जो द्वैत बुद्धि है, इसके कारण आदमी भ्रम में पड़ जाता है। जगत है नहीं, है सब परमात्मा ही, लेकिन हम सर्वत्र जगत को देखते हैं और जगत में ही सुख की तलाश करते हैं। ये जो भेद दृष्टि है कि जगत से हमको सुख मिल सकता है, बस यही सारे दुखों का कारण है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर आधी साखी यह कोटि ग्रंथ कर जान। आधे में वो बात कहना चाहता हूं जो करोड़ों ग्रंथों में जो बात नहीं मिलती, क्या नाम सत्य जग झूठ है और सुरत शब्द पहचान। बस ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, नाम ही सत्य है, ओंकार ही सत्य है, बाकी जगत तो मिथ्या है, और सुरत शब्द पहचान। और कैसे उसको जानोगे, ओंकार को जानो और उसमें अपनी सुरती लगाओ, उसको सुनो, उसके श्रवण में लगो। शंकराचार्य भी यही बात कहते, अर्ध श्लोके प्रवक्ष्यामि, आधे श्लोक में वो बात कहना चाहता हूं। यद उक्तम ग्रंथ कोटि भी, करोड़ों ग्रंथों में जो बात कही गई है, क्या ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो न चापर। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, और जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कहते हैं सुंदरदास, ताते जूझत है रे। यह द्वैत दृष्टि के कारण जो भ्रम पैदा हो रहा है, इसी के कारण आदमी जूझता है, आदमी दुख पाता है, आदमी भ्रमित हो जाता है। जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, मनमुख भूखे दहदिस डोले। जो मनमुखी होता है, जो मन की मान करके चलता है, गुरु की मान करके जो नहीं चलता, वो दसों दिशाओं में ऐसे ही दिग्भ्रमित होता रहता है, और बिन नावे दुख पाई, और बिना नाम के बिना ओंकार को जाने ऐसे ही दुख में जीता है। जन्म मरे फिर जोनी आवे दरगाह मिले सजाई। बस ऐसे ही उसकी महाजिंदगी है, कभी जन्म कभी मृत्यु, और फिर परमात्मा के यहाँ भी जब जाता है तो ऐसे ही दुख पाता है, सजा पाता है। कहते हैं सुंदरदास, कठिन कर्म की परत भाषसी जाते मूझत है रे। और ये जो कर्म बंध हैं तुम्हारे, बस इसी कर्म बंध के कारण तुम फंसते चले जाते हो। कठिन कर्म की परत भाषसी, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे कर्म बंधों की जैसे लेप चढ़ी हुई है, कर्म बंधों की जैसे धूल जमी हुई है, और जाते मूझत है रे। इसीलिए आदमी मूर्छा में जीता है, दुख में जीता है, ताप में जीता है, संतरास में जीता है। जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, जग के कर्म बहुत कठिनाई। ये जगत में जो कर्म बंध है, ये बहुत ही कठिन है। ताते भरम भरम जहनाई, और इसलिए भटकते रहते हो, भ्रम में भटकते रहते हो। ज्ञानवंत अज्ञान होते हैं बूढ़े करे लरिकाई, और जो विद्वान हैं वो भी अज्ञानी की तरह बर्ताव करते हैं, और जो बूढ़े हो जाते हैं, आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन बिल्कुल बच्चे की तरह बर्ताव करता है, बिल्कुल नासमझ की तरह बर्ताव करता है। माया मोह ग्रसित निसबासर कौन बड़ो सुखदाई। माया में मोह में ऐसे ही रात दिन आदमी फंसा रहता है, इसमें कौन सी प्रशंसा है, इसमें कौन सी बुद्धिमत्ता है। ले ही बिसाही कांच सोना नाम गंवाई। नाम सोने की तरह मूल्यवान है, ओंकार स्वर्ण की तरह, हीरे की तरह मूल्यवान है, और उसको छोड़कर ये जगत के विषयों विषय ऐसे ही जैसे कांच है, और सोना को छोड़ करके खो करके अगर कांच तुम खरीदते हो बाजार से, इसमें कौन सी बुद्धिमत्ता है। मगर वही तो हम कर रहे हैं। और अमृत तज विष अचवन लागे,
या ऐसा ही है जैसे अमृत कहीं मिल रहा है और उसको हम छोड़ रहे हैं और विष से आचमन करते हैं, यह धों कौन मिठाई, और इससे तुम्हारी जिंदगी में कैसे भला मिठास पैदा होगी, जिंदगी में कैसे मधुरता आएगी भला। और गुरु प्रताप साध की संगति करहूं न काहे भाई, बस दो ही काम करने लायक है, बस गुरु से नाता जोड़ो और गोविंद से नाता जोड़ो। गुरु प्रताप साध की संगति, सच कहो तो ये गुरु की कृपा से और संतों की संगत से ये नाम का ज्ञान मिलता है और यही करने लायक है, बाकी सब असार है। करहूं न काहे भाई, क्यों नहीं करते हो, गुरु से क्यों नहीं नाता जोड़ते, साधुओं की संगत में क्यों नहीं जीते। कहते हैं सुंदरदास, सुंदर घट में काम धेनु हरि निश दिन दूझत है रे। तुम्हारे भीतर काम धेनु की तरह हरि है जो सदा ही दूध दे रहा है, सदा फलदायी है, सदा आनंद देने को राजी है, लेकिन उस काम धेनु को छोड़कर हम कहीं बकरी को खोजते चलते हैं, बकरी के दूध के लिए बाहर अगर मंडराते हैं, घूमते हैं, तो कौन सी बुद्धिमत्ता है इसमें, कौन सी प्रज्ञा है इसमें, जिसके लिए धर्मदास कहते हैं, झड़ी लागे महलिया गगन गहराए, झड़ी लगी हुई है और आकाश से अमृत की बारिश हो रही है, और खन गरजे खन बिजुरी चमके लहर उठे शोभा बढ़ने न जाए। कभी दिव्य प्रकाश है, कभी दिव्य संगीत है, और उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। और सुन्न महल से अमृत बरसे, भीतर के गगन मंडल से अमृत की बारिश हो रही है, जो ओंकार की बारिश हो रही है, और प्रेम आनंद होई साध नहाए, और जितने संत हैं प्रेम से भरे हुए, आनंद से भरे हुए, उसमें स्नान करते रहते हैं। तुम भी चाहो तो सद्गुरु से नाता जोड़ो, उस ओंकार को जानो, तुम भी उसी उसके प्रेम में, उसके आनंद में नहाते हुए जिंदगी को धन्य कर सकते हो, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।